उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने राफेल डील को लेकर भाजपा पर प्रहार करते हुए जमकर कटाक्ष किया। इसी दौरान उन्होंने बताया कि पूर्व सैन्य अफसर, पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी जैसे मजबूत नेता को भारतीय जनता पार्टी किनारे करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि बीसी खंडूरी रक्षा समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन भाजपा ने खंडूरी जी को समिति में जगह नहीं दी, जो उत्तराखंड के लिए बेहद ही शर्मनाक है। सरकार के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर गंभीर आरोप है। मोदी जी के ऊपर उनके औद्योगिक मित्रों को फायदा पहुँचाने के आरोप है और केवल 36 विमान खरीदे गए हैं। तो ये विषय उस कमेटी के आगे आवे और इस विषय पर कोई विपरीत टिप्पणी ना आ जाए, तो इसलिए श्री भुवन चंद खंडूरी जी को, जो नई पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बनी है डिफेंस के मामलों की, उसके अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया है और उसमें उनको सदस्य भी नहीं रखा गया है। ये पूरे उत्तराखंड का अपमान भी है और ये कहीं ना कहीं राफेल से इसके तार जुड़ते हैं, क्योंकि सरकार डरी हुई है कि राफेल का विषय जब भी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के सामने आएगा तो कई प्रश्न खड़े होंगे जिनका उत्तर सरकार के पास नहीं है। जिम्मेदार विपक्ष के नाते मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज कर रहा हूं और 24 तारीख को हमारी कांग्रेस पार्टी के विधायकगण इस मुद्दे को, जो आज की घटना है और जो दो दिन पहले घटना हुई है, इन दोनों घटनाओं पर राज्य की सरकार को विधानसभा के अंदर जवाब देने के लिए मजबूर करेंगे।